How was your day? How was your day? Kaki ka to baitan ko. Assalamu alaikum. Welcome back to another new vlog. आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। उधर कैमरा मैं उधर नहीं कर सकती, ये वॉश में जा रहा नहाने के लिए। और किरा जो अभी बस अभी चेंज करेंगी फेस वॉश हैंड वॉश वगैरह करके, खाना शाना खा के फिर इनको सुला दूंगी। फिर बाकी का व्लॉग जो है आज बड़ा स्पेशल व्लॉग है आप लोगों के साथ जो मैंने बनाना है, आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना है जो कि मैंने ऑनलाइन किया था, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी डिटेल में। तो खैर इनसे फारिग हो जाऊँ, उसके बाद वो व्लॉग हम लोग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? कपड़े ठीक कर रहे हैं आपने, एक मेरा काम भी करना है, किरत का सैश ठीक करना है आपने, ठीक है? हाँ जी, आपको क्या हुआ है? क्या क्या कहाँ जाना है? दूध है, ले लो जाओ। मैं क्या करूँ, ये क्या कर रही हो? नो, चलो दूध उठा लो आप अपना, उठा लो। गुड गुड गर्ल। नो, क्या कर रही हो? नहीं पीना दूध, दूध नहीं पीना, ला मामा को दे दो। चलो ठीक है फिर, मैं और वो फाइज अनब जो है वो नाश्ता करेंगे, बाकी बच्चे जो है वो खाना खाएंगे। इनको पराठे बना दे मसर के साथ, भात वाली दाल के साथ पराठा बनवा दूं। इसका वो एग फ्राई और इसका अंडा एज यूजुअल। हाँ ये जी खाना आ गया है, हम खाना खा ले। फाइज है ना बहुत ज्यादा लीचड़ हुई है, पता नहीं क्यों तंग कर रही है, चीखी जा रही है, तंग कर रही है। नो बेबी नो, चलो आज मेरी गोदी में आओ, मामा खिलाए आपको, आ जाओ। कह रही है नहीं गोद में नहीं आना, मैंने खुद खाना है। ये खुद खाते खाते इसने ये हाल कर दिया इसका, गंदी बच्ची। बच्चे जो है सो रही है, स्कूल से आए थे तो मैंने इनको सुला दिया था, और ये मासी सो के उठ गई है। किरत नहीं सोई, किरत जो है एक कदर आउल है, उल्लू है, जिसको नींद नहीं आती ना रात को ना दिन को। इसकी नींद इतनी कम है, बहुत तंग करती है मुझे सोने में, और बस बाकी काम में भी बड़ा ही तंग करती है। ये खाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी तो असलम भाई मेरे से पूछ रहे थे खाना क्या बनाना है, तो मैंने फिर उन्हें कहा कि आप जाके ले आएँ कोफ्ते, फ्रोज़न कोफ्ते ले आएँ, और साथ अंडे बॉईल कर लेंगे तो कोफ्ते अंडे बन जाएंगे। क्रेजी गर्ल, शी इज सच अ क्रेजी गर्ल। ये देखें ये कोफ्ते रेडी हो गए हैं और एग्स बॉईल हो रहे हैं। ये जब बॉईल होएंगे फिर जब पूरा रेडी हो जाएगा फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। हाँ जी आप भी उठ गए सर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है मेरा बेटा, मैं बेटू ठीक है, आइए ले जाओ। अच्छा जी, दोपहर में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आज के व्लॉग में, और वो एक्सपीरियंस ये था कि ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस था। खैर ऑनलाइन शॉपिंग मैं बहुत करती हूँ, बड़े अरसे से करती आ रही हूँ, शादी से पहले से करती आ रही हूँ। लोगों को तब ऑनलाइन शॉपिंग का इतना पता भी नहीं होगा जब से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती आ रही हूँ, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम जिंदगी में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बुरा रहा है, बिकॉज मैंने रिव्यूज़ देखे बगैर ही, पेज खोला ही नहीं मैंने, बस ऐड आया मेरे सामने एकदम से ना, वीडियो आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा, कॉर्ड सेट था तो मैंने कहा कि यार ऑर्डर कर देती हूँ। और नेक्स्ट डे ही जो है मुझे डिलीवर हो गया, और जिस टाइम मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रही थी उन्हें, तो उस टाइम मेरे जहन में आया भी कि यार मैं पहले खोल के देख लूँ, साथ ही ये नेक्स्ट डे ही डिलीवर हो गया। कभी भी इतना जल्दी नहीं ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन डिलीवर होता, जब भी ऑनलाइन ऑर्डर किया 4 to 3 days तो मैक्सिमम लगते ही हैं, लेकिन ये जो है ऑर्डर नेक्स्ट डे ही मुझे आ गया, और थोड़ा सा आया उस टाइम माइंड में कि खोल के देख लूँ, लेकिन वो अलाउ नहीं होता, वो लोग पैसे वो खोलने नहीं देते हैं कि नहीं आप पहले पेमेंट करें फिर आप जो है ऑर्डर को खोल सकते हैं। वो या तो अगर आपके ऑर्डर पे मेंशन हो ना कि जी आप ना इसको खोल के देख सकते हैं पेमेंट करने से पहले, तो वो उन्होंने ना मेंशन किया होता पहले, तो वो इस पर ऐसा कुछ था नहीं तो मैं खोल के देख नहीं सकती थी। तो खैर मैंने पेमेंट कर दी, उसके बाद जब वापस आई तो उतनी देर में बच्चों ने खोल लिया हुआ था, और जब मैंने देखा इतनी गंदी क्वालिटी, थर्ड क्लास पैथेटिक क्वालिटी, आप लोग सोच नहीं सकते।
5-600 वाली क्वालिटी होगी बस, ये आप ये समझ, ये देखें। अच्छा जो मैंने कहा है ना कि तब ऑनलाइन शॉपिंग का इतना लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बाहर की इतनी बात नहीं कर रही, बिकॉज मेरी शादी को जो है वो 8 ईयर्स हो गए मैं माशाल्लाह से। तो खैर मैं शादी से पहले से बहुत, मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करती थी, तो अभी भी मैं, और अब मैं ज्यादा हो गई हूँ क्योंकि बच्चे चाह रहे हैं, तो बच्चे मुझे तंग बहुत करते हैं, तो मेरा होता है कि मैंने अगर कोई चीज़ मंगानी है मैं ज्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ घर पे, कि यार बच्चों के साथ जाना ना पड़े, फिरना ना पड़े, क्योंकि तंग करते हैं, गर्मी होती है तो सबको लेके जाना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। तो खैर ये देखें, ये आया 3599, मतलब 3600 का समझ लें आप, और ये है पेज का नाम जॉयलो। अभी इसका जो है मैं सारा लिंक वगैरह भी शेयर करूंगी, और नेक्स्ट साथ ही ये अभी मैं क्लिप आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कौन सा पेज है, और वीडियो जो मैंने देख के, जो एड मैंने देख के ऑर्डर किया वो भी मैं लगाती हूँ, ये देखें। अच्छा तो आप लोगों ने अब ये वीडियो देख लिया है, लिंक देख लिया है, और जो मैंने ऑर्डर किया था जैसा वो भी देख लिया है, अब जो आया है मुझे वो भी देख लें जरा। ये देखें, ये कलर देख लें पहले, ये जरा आप करीब से क्वालिटी भी देख लें, बटन्स की क्वालिटी देख लें कितनी थर्ड क्लास क्वालिटी है, स्टिचिंग की क्वालिटी देख लें, ये धागे निकले हुए हैं, ये पॉकेट जो बनी हुई है वो भी टेढ़ी बनी हुई है। मुझे गुस्सा पता है क्यों आया ज़्यादा, बिकॉज मैंने इन्हें कॉल किया, इन्होंने मेरी कॉल भी नहीं उठाई है, और कमेंट्स वगैरह किए हैं, मैसेजेस किए हैं, पेज पे किए हैं, उसका भी जवाब नहीं दिया। अभी आप लोग देख लें ये क्या लग रहा है, आप लोग देखें, स्मॉल साइज मैंने मंगवाया है, और ये समझ से बाहर है कि ये है क्या। ठीक है, जो डिज़ाइन है उन्होंने बाजू कोशिश पूरी की हुई है कि कॉपी वो लोग उस तरह की कर लें, लेकिन जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी तो क्वालिटी होती है ना, तो ये देखें ठीक है। और अब इसका ट्राउजर दिखाती हूँ मैं, ये बेसिकली है कॉर्ड सेट, आजकल मेरा ना कॉर्ड सेट्स पे दिल आया हुआ था, तो मैंने काफ़ी सारे कॉर्ड सेट्स लिए हैं बाज़ार से भी, और मैंने ऑर्डर भी किए थे कुछ, तो एक ये भी ऑर्डर कर दिया, मुझे अच्छा लगा अगर वैसा आता। ये इतना गंदा कपड़ा है, ये देखें, इसको तो बंदा ना नाइट सूट भी नहीं बनाया जा सकता, ये अजीब अजीब वो गरीब सही है। अब साथ मैंने दूसरा एक और भी ऑर्डर किया था, वो तो खैर मैंने खोला नहीं है अभी, ये तो अच्छा पेज है, इस पेज का मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं क्यों मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे ऑर्डर कर दिया, देखे बगैर ही, रिव्यूज देखे बगैर, पेज खोले बगैर ही, बस गई हूँ मैंने शॉप नाउ पर क्लिक किया और मैंने ऑर्डर कर दिया, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आई। ये है द अफोर्डेबल डिज़ाइनर, इनका जो है फेसबुक पे भी है और इनकी वेबसाइट भी है, और इनकी जो है इंस्टा पे भी पेज है, ये तो खैर अच्छा है बड़ा पेज, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो ये जो ऑर्डर किया था वही आया है, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये भी एक कॉट सेट ही ऑर्डर किया था मैंने, ये देखें, और ये इसका साथ ट्राउजर है, ये नाइस है, ये मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट ब्लॉग में पहन के भी दिखाऊंगी, और जो मैंने ये पिक्चर भी मैं साथ शेयर कर देती हूँ जैसा मैंने ऑर्डर किया था, पिक्चर में भी आप लोगों को एक लुक पता चल जाएगी कि ये है कैसा, बेसिकली वीडियो में इतना वो पास से दिखाते हैं ना तो सही में समझ में नहीं आता कि यार ये क्या चीज़ है, तो ये पिक्चर भी देख लेंगे नीचे, ये था ये। तो खैर अब इसका जो है मैं सारे लिंक शेयर करूंगी, फेक पेज है, फेक हैं ये लोग, बिल्कुल ही फेक हैं, स्कैमर्स हैं, तो किसी को भी अगर इसका एड शो हो तो बिल्कुल भी ना ऑर्डर करिएगा। बाकी भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, बाहर की सारी वीडियोस उठा के, किसी बाहर के पेज की सारी वीडियोस, सारी पिक्चर्स उठा के डाली हुई हैं, जो कि उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं किया और बस मैंने ऑर्डर कर दिया, गलती कर दी, तो आप लोग ये गलती ना करिएगा, आप लोग जो है अपने पैसे आप लोगों के वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ और आप लोगों को इस चीज़ से बचा लूँ कि इस पेज से ज़रा दूर रहें, बिकॉज दिस इज़ टोटली फेक। ठीक है, दोबारा देख लें एक दफ़ा, जवाब नहीं इन्होंने मुझे दिया, तो बस यही था आज का जो मेरे साथ हुआ। अच्छा जी, कल मेरे साथ एक स्कैम हुआ था और आज एक असलम भाई के साथ फ्रॉड हो गया। असलम भाई दिखाएं जरा अपना फ़ोन,
लोगों को ताकि पता हो तो लोग जरा होशियार हो जाएं कि उनके साथ जो है वो फ्रॉड ना हो। असलम भाई फोन दिखाएं जरा अपना, फोन तो दें अपना, दे फोन दे ना, फोन दे। मेरे साथ मैंने ऑनलाइन मंगवाया एक सूट, वो खराब आया। सूट मंगाया था एक, ऑनलाइन मंगवाया था तो वो सही नहीं आया। जो उन्होंने तस्वीर में दिखाया हुआ था वो वैसा नहीं है, बड़ा गंदा कपड़ा भेजा उन्होंने। अच्छा ये देखें, असलम भाई का ये है जैस कैश अकाउंट जिसके अंदर थे 5,000, ठीक है। और कॉल आई असलम भाई को एक नंबर से, वो नंबर भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जिस नंबर से कॉल आई है असलम भाई को। ठहर जाए, खुल रहा है, बड़ा स्लो फ़ोन है असलम भाई आपका नंबर। इस नंबर से कॉल आई है असलम भाई को और उन्होंने कहा जी हम जैस कैश से बात कर रहे हैं। असलम भाई ने मुझे दे दिया फ़ोन, सारा उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा जी कि हम जो है जैस कैश से बात कर रहे हैं, हम आपको जो है वो मेडिकल देंगे, ये करेंगे, हेल्थ सर्विसेज वगैरह सारी उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको अगर कॉल की समझ आ गई है तो आप बता दें, लेकिन उसके लिए आपको फ़ोन देना पड़ेगा मोहम्मद असलम साहब को। मैंने कहा नहीं जी वो बिज़ी हैं, वो काम कर रहे हैं, वो नहीं बात कर सकते। कहता नहीं वो फिर हम कॉल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आगे। फिर मैंने कहा अच्छा चलिए मैं आपकी बात कराती हूँ। मैंने बात कराई असलम भाई की तो उन्होंने पूछा असलम भाई से यही कि आपको कॉल की समझ आ गई है, यही पूछा उन्होंने। हैं असलम भाई क्या पूछा आपसे? असलम भाई फुल असलम भाई तपे हुए हैं, असलम भाई का मूड ऑफ हो गया, गुस्सा आया हुआ असलम भाई को बड़ा ज़्यादा। तो असलम भाई कहते हैं अब मेरे जैस कैश पे अक्सर हम लोग जो है ना घर में कैश ना हो तो फिर अली जो है वो जैस कैश असलम भाई के कर देते हैं पैसे, और फिर असलम भाई निकलवा के मुझे ला देते होते हैं कि क्योंकि मुझे फिर वरना फिर मुझे जाना पड़ता है ATM, तो वो फिर मैं इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ये निकलवा के ले आते हैं। तो वो अब कह रहे हैं कि मुझे किसी ने ट्रांसफ़र नहीं करने, मैं किसी को नहीं निकलवा के दूंगा, जिसने निकलवाने खुद ही जाए और खुद ही निकलवाए, मेरे नंबर पर ना कोई सेंड करें। हैं असलम भाई चलें सही है। अच्छा फिर उन्होंने असलम भाई से पूछा कि आपको कॉल की समझ आ गई है ये वो, तो आपने जो है ना 1 का बटन दबा दिया। असलम भाई ने 1 का बटन दबा दिया और असलम भाई के जो है ना 2,000 कट गए हैं। अब आप लोग देख लें ये नंबर, आप लोग देख लें, ये ऑफिशियल नंबर नहीं है मेरे ख्याल से जैस कैश का। मैं वैसे चेक करती हूँ ऑफिशियल नंबर पहले जैस कैश। Few moments later. तो ये जो निकाला मैंने जैस कैश की हेल्पलाइन का ऑफिशियल नंबर वो ये है, और जिससे कॉल आई है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो बस ये स्कैम हुआ है, कल मेरे साथ हुआ, आज असलम भाई के साथ हो गया। तो ये ज़रा 2-3 दिन से मुझे लगता है आजकल जो है वो कुछ भारी हुआ है कि हम लोगों के साथ फ्रॉड हुए जा रहे हैं। खैर असलम भाई आपको जो है आपके पैसे मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लें, अली को मैंने बोला आपको भेज देंगे, ठीक है, आप गुस्सा नहीं करें। असलम भाई को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, असलम भाई को लग रहा है वो असल में अली ने 2,000 भी भेजे थे, वो ट्रांसफ़र किए थे तो वो देने थे नीचे खान भाई को, तो वो असलम भाई को लग रहा है कि अली के अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो इस वजह से असलम भाई कह रहे हैं कि मेरे नंबर पे नहीं भेजने अब। पर असलम भाई को समझ में नहीं आ रहा कि असलम भाई के साथ फ्रॉड हो गया है। तुम क्या कर रही हो वफाइज? अच्छा मैं जो हूँ बेसिकली आज सेकंड डे है मेरे ब्लॉग का, और अभी जाना है मोहम्मद जामिन को लेके डॉक्टर पे, तो मैं इसलिए तैयार हुई थी। और बच्चे अभी आए थे स्कूल से, वो सो गए हैं पर ये नहीं सोई। ये आलू है, ये आलू का कचालू है, नकली आलू है, ये आलू नहीं हो आप। आलू ऐसा नहीं होता पतला सा, आप लेडी फिंगर हो, लेडी फिंगर। हाँ तो खैर आप लोग ज़रा ध्यान रखें, इस नंबर से अगर कॉल आए तो आप लोग बटन ना दबाइएगा, बेवकूफ़ ना बनिएगा, और जो मैंने पेज बताया था उससे शॉपिंग वगैरह ना करिएगा। तो ध्यान से ज़रा, और इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। और ये असलम भाई आप ये नहीं इधर दे, क्या कोई आपके अकाउंट में पैसे भेजे तो वही प्लीज़ ना करवाना। वो जाके बिल्कुल ना निकलवाइएगा, अगर आपके नंबर पे कोई पैसे भेजे ऐसा मैं कह रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी जाके मत निकलवाइएगा, उन्हें कहें कि जाके खुद ही निकलवाएं, मैंने नहीं निकलवाने, ठीक है असलम भाई, कह दिया मैंने। अच्छा जी तो बस इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें, और ध्यान से जब भी शॉपिंग करें तो रिव्यूज़ देख के करें, पेज को खोलें पहले, जो भी है अकाउंट को उसको खोल के अच्छी तरह उसको देख के रिव्यूज़ पढ़ के, कितने कितने फॉलोअर्स हैं और कितने जो हैं पेज पे रिव्यूज़ हैं, सारी चीज़ें वगैरह देख के अकलमंदी से ज़रा ऑर्डर करें। मेरी तरह बेवकूफ़ी में जाके एकदम से ऑनलाइन ऑर्डर ना कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम वैसे मैंने ऐसा किया, मैं करती नहीं होती कभी भी, वरना मैं हमेशा पहले जाके पेज चेक करती हूँ, रिव्यूज़ चेक करती हूँ, देखती हूँ कि कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है, वेबसाइट है नहीं है। खैर आजकल वेबसाइट तो हर कोई बना लेता है, वेबसाइट बनाना कोई
बड़ा काम नहीं है, वेबसाइट तो मैं भी बना लेती हूँ। हाँ अगर किसी ने वेबसाइट बनवानी हो, मैं वेबसाइट भी डिजाइन कर लेती हूँ, तो मैं आप लोगों को वेबसाइट भी डिजाइन करके दे सकती हूँ। खैर एनीवेज, तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।